जब चुनाव आता है तो बार बार बात दोबारा शुरू हो जाती है, मंदिर मस्जिद, क्या ये चुनावी मुद्दे हैं आपके लिए? चुनावी मुद्दे तो लोगों ने रख दिया है, लेकिन तो भगवान श्री राम की जन्मभूमि स्थली जो है वो अखंड है। जो अभाषण हो रहे हैं इस चुनाव में, कोई ज्यादा मंदिर की बात तो करता नहीं है। हाँ जी, मंदिर की नहीं, तो वो चुनाव आते हैं वोटों के मार मंदिर की चर्चा होने लगती। किसको सपोर्ट देते, किसको समर्थन देते? अरे आप तो वोट भी नहीं करते, आप कैसे किसी को सपोर्ट देते हैं बताओ? हमारे मंदिर में भाजपा की ज्यादा चलती है ना, तो सब लोग भाजपा को ही वोट देने के लिए कह रहे हैं, तो हम भी भाजपा ही। हम भाजपा से उम्मीद करते हैं, भाजपा ही राम मंदिर को बनवा सकती है। क्या इस नौजवान पीढ़ी के लिए मंदिर और मस्जिद मुद्दे होने चाहिए कि विद्यालय, सफाई, इनके आगे की फ्यूचर, आप क्या बोलेंगे? सफाई के लिए ज़्यादा मुद्दे होने चाहिए, यहाँ पे कचरा बहुत ज़्यादा होता है, सड़कें नहीं ठीक है। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा ये धर्म का मुद्दा है भैया। कभी लगता है ये पुराना हो चुका है मुद्दा, कि अभी भी उतना ही बड़ा मुद्दा है? एक तो पुराना ही हो पा, दूसरा क्या करेंगे। आपको लगता है कि उनको मंदिर में सच्ची में एक मुद्दे से लगाव है कि बस राजनीति से एक लगाव है? नहीं, लगाव तो है, क्योंकि इसमें कुछ खास आए हैं कोई, जो है नरेंद्र मोदी जी हैं, जैसे कि नोट बंदी करके उन्होंने काले धन को जब्त किया। आप मानते हैं कि किया? ये मैं मानता हूँ। हाँ। तो मैं ये भी मान सकता हूँ कि आगे यहाँ राम जन्मभूमि बन सकता है। आप आगे की तरफ देखते हुए, भविष्य की तरफ देखते हुए क्या कहना चाहेंगे? अरे भविष्य में जो है धर्म पे प्रथा चलने वाले ही, अपने बच्चा होए चाहे कोई है, उनको हमेशा जो है ये धर्म प्रथा चलाना सिखाती है, क्योंकि बड़े बूढ़ों का सम्मान करना और यही संस्कृति है। तो आप देख सकते हैं कि अयोध्या में अभी भी मंदिर को लेकर काफ़ी एक भावना है, एक सेंटिमेंट है, अभी भी लोगों को लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब ऐसा मंदिर बनेगा, लेकिन मामला अभी कोर्ट में है और राजनीति के एक तरह से राजनीति में ये मुद्दा डूब गया है। जब चुनाव आता है तो इस इशू को उठाया जाता है और उसके बीच में शायद ये इशू भूल जाता है, लेकिन यहाँ पर जो पंडित और महंत लोग हैं वो अभी भी मानते हैं कि एक दिन ऐसा उनके लिए आएगा। साइनिंग ऑफ नाउ ऑन द रोड, बरखा दत्त फॉर द क्विंट।